भी आप देख सकते हैं निकल रहा है। कैसे आप सभी, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अपने पीछे खड़ी है डोमिनार, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। जी हाँ, मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोग मेरे मोटो ब्लॉग्स ज़्यादा देखना चाहते हैं सर्विस, तो वहाँ कमेंट आया भाई सर्विस का ज़्यादा। तो आज डोमिनार स्पेशल सर्विस कर रहे हैं हम, कहने का मतलब इसमें कूलेंट रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि एक स्पेशल एडिशन कूलेंट है जो कि बाइक को परफॉर्म करता है और अच्छे से कूल करता है। देन मैंने सोचा यार, अगर सर्विस का लोग मांग गए हैं ब्लॉग, तो हमारा काम बनता है सर्विस का देना। होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और बताया आपको क्या करना है। सुबह मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ गाड़ी की कंडीशन और कितने किलोमीटर चल चुके हैं, कितने किलोमीटर पर हम ये काम कर रहे हैं। ये अभी स्टार्ट खड़ी है, वार्म अप कर रहा हूँ जस्ट। एंड ये देखो इसका ऑडो किलोमीटर 10,754 किलोमीटर चल चुकी है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, बाइक का कूलेंट चेंज करेंगे। कूलेंट क्यों जरूरी होता है दोस्तों? बाइक के अंदर कूलेंट इसलिए जरूरी होता है कि आपके बाइक का जो इंजन होता है, जो हीट होता है, उसकी हीट को मतलब कंट्रोल करने के लिए कूलेंट डाला जाता है। कूलेंट का मेनली बेसिक यही काम होता है। जब आपकी गाड़ी हैवी ट्रैफिक में हाई स्पीड में चल रही है, तो जो एयर सामने से लगती है इस रेडिएटर के अंदर में, इस रेडिएटर की वजह से जो है एयर लगने से इसमें छोटे छोटे फिन्स होते हैं। तो जितना अच्छी क्वालिटी का आपका कूलेंट होगा, उतनी जल्दी कूलेंट आपका सर्टेन टेम्परेचर डाउन करेगा। और कूलेंट का सेकंड काम एक और होता है दोस्तों, जो माइनस डिग्री के टेम्परेचर्स होते हैं हमारे हिली स्टेशंस पे, तो वहाँ पे इसको जल्दी वार्म अप भी कर सके। दोनों ही काम कूलेंट के होते हैं। कूलेंट के लिए थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे 95 डिग्री आपका टेम्परेचर होगा तो वो हो जाता है टर्न ऑन। एंड इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों बहुत स्पेशल एडिशन मोटोल का मोटू। की खासियत ये है इसके अंदर में दोस्तों, करोजन वगैरह जो अंदर जो सॉल्ट जैसा जमा हो जाता है ना, और सस्ते कूलेंट्स में वो इसके अंदर नहीं होगा। ये रेडिएटर को अच्छे से प्रोटेक्ट रखेगा, कूलेंट भी अच्छा काम करता है। ये -37 फेरानाइट सेंटीग्रेड और फेरानाइट दोनों में काम करेगा ये। ऑलमोस्ट ऑल जो हमारे कूलेंट्स आते हैं वो 15 और 20 डिग्री के आसपास वाले आते हैं, 37 तक। तो ये भाई बिल्कुल फ्रीज नहीं होने वाला है, यानी कि जमेगा नहीं है 37 माइनस डिग्री में भी, और अप वाली डिग्री में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और मैंने एक दो गाड़ियों में ड्यूक 390 में यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को परफॉर्मेंस मिला। सो मैंने सोचा है इसको अपनी डोमिनार के अंदर डालते हैं। वैसे होप कि यार आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी इन्फॉर्मेटिव मिले। मैंने दो मंगा रखे हैं, एक इस साइड है एंड एक इस साइड है। और एक चीज़ और हमें लगती है कि भाई आपको मैं रिकमेंड करूँगा अपनी साइड से, क्या आप कोई भी सादा वाटर ना यूज़ करें जब आप बाइक की सर्विस करने जा रहे हैं, या जैसे कूलेंट आप फ्लश कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, या कूलेंट में वाटर भी ऐड कर रहे हैं। तो यार मैं स्पेशल ये जो कार शॉप्स होते हैं या बैटरी वाले होते हैं, उनसे ये मैं वाटर लेकर आया हूँ 5 लीटर की कैन, मुझे 60 रुपीज़ की पड़ी है। ये है डिस्टिल वाटर, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, बट यार ये काम की चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी हार्डनेस नहीं होती इस वाटर में, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर हार्डनेस होगी तो अंदर सॉल्ट जमा हो सकता है, इस वजह से मैं डिस्टिल वाटर से फ्लश करने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा यार, प्लीज़ फिर यही बोलूंगा कि स्किप नहीं करना, क्योंकि इतने डिटेल जो वीडियो है ना वो आपको कोई नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ इस समय पर। मैं यकीन मानिए, मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि आपको बहुत स्पेशल व्लॉग्स दूँ जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं हो। देखो यूट्यूब पर है तो है ब्लॉग इस तरीके से, बट इतने नहीं है। वो लोग सिनेमेटिक्स ज़्यादा यूज़ करके मैन नॉलेज नहीं देते। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैन नॉलेज दूँ, और इसमें यार एफर्ट भी लगते हैं, अपना टाइम भी लगता है। प्लीज़ यार लाइक करना कमेंट, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और चैनल पर नए हो ना तो ये वाइट कलर का बटन आ गया यार, ये बहुत बड़ा ग्लिच हो गया यूट्यूब में। पहले YouTube का आज से 14 साल पहले आपने देखा होगा येलो कलर का बटन होता था, फिर उसके बाद में आपका रेड कलर हुआ, रेड कलर हाईलाइट दिखता था। बट यार ये YouTube ने बहुत गंदा काम करा है, वाइट सा जो साइड में दे दिया है, तो उसको आप ब्लैक कर दो आप दबा करके, और घंटी को ऑल कर देना यार। पता नहीं YouTube क्या कर रहा है, वो रीच भी कम जा रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है काम करना। आप जैसे भाई जब तक हमारे साथ हैं तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी अब इस पूरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, वरना लोग आपको बोलेंगे भाई फिर से आपने लंबा ज्ञान दे दिया। देखो ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कूलेंट हम क्यों चेंज कर रहे हैं और कितने साइकिल पे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे अगर आपकी बाइक हो कैसी भी, अगर 400 सीसी की है, 400 से 600 के बीच में, तो आप इसे 10,000 किलोमीटर पे कर लीजिए सेफर साइड, 1 ईयर 2 ईयर जब भी आपका हो जाए, या आपकी गाड़ी मोस्टली खड़ी रहती है तो अभी 2 ईयर में एटलीस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बाद में मतलब फिर दिक्कत कर सकते हैं आपको, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सेफर साइड यही हुआ कि आप 2 साल में इसको बदल लें। पर बाइक जो होते हैं उसके अंदर में एज यूजुअल इतना ही चलता है, पर उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्लॉग हमारा आएगा, थोड़े मोटो ब्लॉग्स आएंगे डेली ब्लॉग, उसके बाद में जैसे 11-11.5 हज़ार चल जाएगी, तो मैं इसका फुल सर्विस ब्लॉग बनाऊंगा। इसमें मैं टोटल बॉडी A to Z जो आपका मेंटेनेंस होता है, इसके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, इसके RPM को भी उस ब्लॉग में हम अनलॉक करेंगे। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और हमारे मोटो ब्लॉग्स को भी भरपूर प्यार दीजिए, और जो डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं वो भी, और प्रोसेस दिखाते हैं आप। सबसे पहले क्या करना है, इसके दो हमें एलएन बोल्ट ओपन कर लेने हैं। जो एलएन बोल्ट हैं इसके अंदर में हमारे, वो लगेंगे आपके 4 mm का एलएन, ये वाला आप देख लीजिएगा। ओके ये जूम कर रहा हो, इसको फोकस में ले रहा हो, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ओपन करने। और आज शूटिंग जो कर रहे हैं कैमरा के पीछे, वो सत्यम कर रहे हैं मेरे लिए हेल्प, तो जस्ट हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही खोलना है। मैं हमेशा सभी बोल्टों की आपसे यही बोलता हूँ
जितना हो सके आप क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलिए। उससे होता क्या है कि आपके बोल्ट के थ्रेड खराब नहीं होते, जब भी इनको दोबारा फिट करेंगे तो हम WD-40 का स्प्रे कर लेंगे, देन उसके बाद ही इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। तो आज मैं जो आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत डिटेल होने वाला है कूलेंट चेंजिंग के ऊपर। ये सभी बाइक के अंदर जो आपका मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो इस कवर को मैं निकालता हूँ, सबसे पहले इन बोल्टों को सेव कर लेते हैं कहीं पर। मैं आगे लॉक सेट होता है तो उस लॉक सेट को हमें ओपन करना पड़ेगा, दो पॉइंट दे रखे हैं उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करने के लिए मैं किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकता हूँ। ये मैकेनिज्म KTM में भी यूज़ होता है, सुपर बाइक में भी यूज़ होता है, आपका सेम रहता है। जस्ट ये पुल डाउन हो गया, ओके इसको ओपन करेंगे एंड 8mm का एक ये बोल्ट है, इसको ओपन करेंगे। ये ड्रेन है एंड यहाँ से हमें कूलेंट फिल करना पड़ेगा। तो कूलेंट का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे इसकी एयर निकालते हैं, कैसे इसको पूरा डालते हैं कूलेंट को नया, क्या प्रोसेस होता है। तो प्लीज़ यार ब्लॉक को स्किप नहीं करना आप पुलिस, ठीक है। अब इसका मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ क्या क्या करना है। ओके, मैंने इसको वार्म अप करने के लिए छोड़ दिया, इसका कम से कम एक दो बार फैन ऑन हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग इसको करेंगे। अभी ये देखो ये कूलेंट है, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट है बाइक। सो बाइक अभी स्टार्ट है और इस कूलेंट को ऐसे ही अभी बॉइल्ड होने देते हैं अच्छे खासे टेम्परेचर पर, उसके बाद में इसको करेंगे ड्रेन। और होप कि यार आज वाला ब्लॉग में काफ़ी मेहनत लग रही है, आप लोग यार प्लीज़ पसंद करना, लाइक करना, शेयर जितना हो सके उतना करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप जैसे जो भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको एक नॉलेज मिले अच्छे लेवल की। ओके, आप देख सकते हैं निकल रहा है। सो बॉइलिंग इसका आ चुका है, फैन थोड़ी देर में इसका ऑन होने वाला है एंड जैसे ही इसका फैन ऑन होता है ना तो ड्रेन करना शुरू करेंगे। एंड ये देखो यहाँ से ये बह रहा है, इस पर ना गिरे टेम्परेचर में, ये देखो बॉयल हो रहा है। तो फैन ऑन हो चुका है, देखिए फैन ऑन है, ये देखिए दोस्तों ये इसका फैन ऑन है। अभी जैसे इसका फैन ऑफ हो जाएगा, और मैंने गियर में डाल रखा है गाड़ी को। ओके, अभी फैन इसका हो गया है बंद, तो मैं अब दोबारा से आपको दिखाता हूँ कूलेंट का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। कूलेंट देखिए फिर से बबल पे आएगा क्योंकि टेम्परेचर इसका वापस से इंक्रीज होगा। अभी लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर में होता है। ये देखो अप कर रहा है ये। ओके, सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको मैं करता हूँ ड्रेन। ओके, देख लो कूलेंट यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ओके, तो ये पूरा कूलेंट गिर रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा ग्रीन ग्रीन और धुआं भी निकल रहा है। ये देखो आप, ये देखो पूरे में धुआं धुआं निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ये कूलेंट। ओके, और अभी जो इसका ये होजिंग है इसमें से भी मैं कूलेंट को निकालने वाला हूँ, इसका तरीका मैं आपको समझा दूँगा बहुत। ओके ठीक है, और इसके बाद में हम इसके ड्रेन पाइप को नीचे की साइड लाइट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैं इसके पूरे को पूरे कूलेंट को ड्रेन कर लेता हूँ एंड इसमें पूरा कूलेंट ड्रेन आउट कर लेता हूँ और हाथ डालूँ ना। काफ़ी गर्म है ये दोस्तों, हाथ जल रहा है इतना गर्म है। मैंने बोल्ट निकाल लिया है इसका, इसके अंदर एक कॉपर वॉशर होता है, इसको साफ कर देंगे, यही वॉशर लग जाएगा अगर ये डैमेज हो जाता है आपको किसी तरीके से, तो फिर आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा, ये याद रखना। वरना अभी तो मेरा सही कंडीशन में, देखो गुड कंडीशन में वॉशर वगैरह सब, तो यही हम लगाएंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे। बाकी इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ थ्रेड लॉकर जरूर लगा लें, मैं रिकमेंड करता हूँ, जिससे कि आपका इन फ्यूचर कूलेंट लीक ना हो। तो अभी ये निकाल दिया हमने, अब इसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर। उसके लिए इस बोल्ट को हम वापस से एक बार टाइट कर लेंगे। सो इसको अभी मैं ज़्यादा टाइट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमें तो बार बार ड्रेन करना ही है। कैन ओपन कर लिए, ये है डिस्टिल वाटर, और मिलाया हूँ फाइनली, पाइप लगा लिया मैंने, जिससे कि इसमें मैं कूलर को अच्छे से फिल कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ देखने के लिए 10 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है, ये पाइप का टुकड़ा मेरे पास था, ये 60 रुपीज़ की मिलाया हूँ। तो प्रोसेस दिखाता हूँ आपको फ्लश करने का डिस्टिल वाटर। एक मैंने मग में ये पूरा से पूरा निकाल लूँगा 1 लीटर के समथिंग, जितना मेरा रेडिएटर फुल हो जाए मुझे आइडिया है, और इसका इस कैन में दोबारा से कोई गंदगी ना जाए। तो मैं सत्यम की हेल्प ले रहा हूँ, मैं इसमें डिस्टिल वाटर को ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसमें टॉप अप करा, और अभी देखिए ये बॉबल ले लेकर के धीरे धीरे रेडिएटर में जा रहा है, एक बार रेडिएटर फुल हो जाए तो ये हो गया है फुल रेडिएटर। ये देख लो वाटर से ट्रांसपेरेंट है काफ़ी, गाड़ी स्टार्ट आ गया। प्रोसेस यही रखूँगा दोस्तों मैं फिर से, कहेंगे जब तक ये ग्रीन वाला पार्ट आना बंद ना हो जाए, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसके बाद हम मान लेंगे फाइनल हमारा कंप्लीट है, फिर नया कूलेंट इसमें फिलअप करेंगे। और कूलेंट अपना जो है मैंने आपको दिखाया ही था, ये आप देख सकते हैं मोटोल का, मोटोकूल एक्सपर्ट हाइब्रिड वाला, काफ़ी अच्छा कूलेंट है। बाकी इसके स्पेक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं चाहे तो पॉज करके। खासियत है कि ये जो कूलेंट है ना, आपको कुछ भी वाटर वगैरह मिक्स नहीं करना है, रेडी टू यूज़ कूलेंट है, मैं इसलिए इसको रिकमेंड करता हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा है यार, इस कूलेंट का रिस्पॉन्स अच्छा मिला है मेरे को। तो ये धीरे धीरे बॉयल हो रहा है, देख लीजिए आप। तो इंजन की आवाज़ अभी भी वैसी की वैसी है जैसा मैं नया बाइक लाया था। इस बाइक ने ना मेरा यार ऐसा साथ दिया है, ऐसा ऐसी ऐसी जगह पर गया हूँ, बस से मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं यार। मतलब जब से ये बाइक मेरी लाइफ में आई है बहुत कुछ चेंज हुआ है यार, सीरियसली, और आप लोगों का प्यार भी। अभी देखो फैन ऑन हो गया है,
कूलेंट के बबल्स देखो वापस नीचे बैठ गए हैं। तो फैन को एक बार बंद होने देता हूँ, देन अगेन इसको फिर से ड्रेन करता हूँ और फिर वही प्रोसेस फिर से भाई। ओ भाई ये देखो धुआं, देखो दोस्तों कितना धुआं निकल रहा है, ये देखो गिर रहा है ना पूरा खोल रहा है। ये देखो प्रोसेस आप लोगों को इतनी बार करना पड़ेगा ना, जितनी बार ये ग्रीन ग्रीन वाटर आ रहा है ना, ये आना बंद होकर ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ये पूरा ग्रीन निकल रहा है। तो जब तक ये ग्रीन निकलेगा ना तब तक हमें ये परिश्रम करना है। जो स्टाइल में दिखा रहा हूँ ना बिल्कुल देसी दिखा रहा हूँ, कौन इस तरीके से देखो डालता है, मैं ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ भाई। हम लोग बाइक के साथ मज़े करते हैं, हमारा काम है मज़े करना और आपको मज़े आने चाहिए, हमें मज़े आ रहे हैं तो आपको भी आ रहे हैं। स्पेशल करते हैं ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस की डिमांडिंग टॉपिक है भैया बाइक सर्विस मेंटेन कैसे करें, आप कैसे मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर भी ब्लॉग आएगा। मेंटेनेंस आप देख सकते हैं, मैं मोस्टली सर्विस सेंटर्स नहीं ले जाता हूँ क्योंकि सर्विस सेंटर्स में यार मेरे हिसाब से काम करते भी नहीं है वो लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा। ये काम इसलिए मैं सारे खुद ही कर रहा हूँ, ये आप देख लो ऊपर की साइड से वॉल्स आ रहे हैं एयर के और ये इसमें जा रहा है रेडिएटर में, चला गया है वही। ओ इसे दिखाते हैं एक बार, मैं फ़ैन ऑन होने का करता हूँ भाई। तो इसका फ़ैन ऑन हो गया है, एक बार आप देख लो बॉइलिंग आ रही है वापस, देन ये वाला बोल्ट फिर से मैं ओपन करूँगा और अभी वाटर एकदम क्लीन हो गया है इसका, तो मैं इसको खोल देता हूँ। जस्ट आप देख लो अब ट्रांसपेरेंट आ रहा है वाटर दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल वाटर ट्रांसपेरेंट आ गया है। सो अब हमें नहीं डालने की ज़रूरत है इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी वाटर। तो ये कुछ कंटामिनेंट्स हैं जो गंदगी निकली है इस रेडिएटर में, यार देख लो ऐसा नहीं है कि गंदगी नहीं होती है, ये पूरा हमारा कैप भी क्लीन हो गया है अभी क्योंकि इसमें। और इस वाटर को एक बार हम क्लीन करेंगे इस बोतल को, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, उसको कम कर लेंगे। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ये अपना मोटोल का मोटोकूल एक्सपर्ट कैसे हम ऐड करेंगे, कितनी क्वान्टिटी होगी वो आपको सारा दिखाएंगे, क्या प्रोसेस हुआ उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी एयर बबल्स हमें निकालने पड़ेंगे ताकि यार ब्लॉग को स्किप नहीं करना, देखना पूरा। ओके होप कि मेरा ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो दोस्तों अब बारी आती है इसको कूलेंट को फिल करने वाली, इसको मैंने बोल्ट को टाइट कर लिया नीचे वाले पूरा ही हुआ एंड इसको भी बोतल को क्लीन कर लिया, वापस पैक कर दिया है। अब कूलेंट डालने की बारी आती है, कूलेंट में डाल रहा हूँ ये नया फुल फ्रेश, क्योंकि सील भी लॉक्ड है, आप साउंड सुनना सीलों की, ये सीलों का साउंड था भैया बताना पड़ता है लोगों को। ये अब फ्रेश कूलेंट है अपना, तो इसको मैं ऐड करूँगा इसमें, अरे बिल्कुल फ्रेश कूलेंट है इसका, आप देख लीजिए पास ला के दिखाइए, इसका कलर कोडिंग भी चेंज है दोस्तों, कम्प्लीटली इसका कलर कोड भी चेंज है, तो आप देख लो। और ये तकरीबन दोस्तों इसके अंदर में जाएगा अपना 750 या 800 ml के आसपास इसमें जाएगा, 850 ml जो भी, बाकी आपको जो आपका रिजर्वायर टैंक है उसके अंदर में जो टॉपअप कूलर होता है उसमें रखना है। ओके इतना मैं रखता हूँ बोतल में, अपना कूलेंट बचा है इसको सेव कर लेते हैं आगे के लिए। यहाँ का काम अपना पूरा हो गया है, अब इसका कलर ग्रीन नहीं दिख रहा है हमें, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू रहेगा, बाकी ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। अभी ये टपकने लगा है क्योंकि कूलेंट यार हीटिंग पे आ गया, अभी थोड़ा इसके बबल्स निकाल लेता हूँ। इसमें फैन 2-3 बार ऑन होने देता हूँ ताकि मेरे को आइडिया लग जाएगा, टॉपअप का कुछ ज़रूरत रहेगा तो मैं कर लूँगा सेफ साइड, क्योंकि जितना आप क्लीनिंग रखेंगे चीज़ों की उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा यार, मेरा तो यही बोलना है कि जितना आप क्लीन कर सकते हो ना उतना गाड़ी को क्लीन कर दो, लाइफ ले जाओगे अच्छी खासी दोस्तों, सही बोलता हूँ। अभी इसमें से गिरने लगा है कूलेंट, क्योंकि अभी इसमें से काफ़ी बबल्स निकल रहे हैं धीरे धीरे, निकलने देता हूँ मैं तो, इवन बबल जितने निकल जाएंगे उतना सेफ रहेगा अपने लिए, बाकी आप लोग ऐसे ट्राई ना करें क्योंकि भैया हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, हमें एक्सपीरियंस हम कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत हीट हो गया है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप टर्न ऑन पर तो आप गाड़ी नहीं कर पाएंगे। ओके तो मैंने इसको कूलेंट वाले इसको कैप को अच्छे से लगा दिया है, काम ऑलमोस्ट डन हो गया है कूलेंट का। कम से कम जब आप कूलेंट ऐड कर रहे हैं तो 3 बार मेक श्योर कि आपको फैन चलाना है। ये 2 कट बने हैं, ये कट को इससे अलाइन करना है इस वाले पॉइंट से, इस पे 1 और 2 से इसको आपको अलाइन करना है इस तरीके से। ओके जब आप अलाइन कर लेंगे तो इसको पुश करना है नीचे के लिए आपको, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पुश करते हुए आपको टेस्ट तो कर देना है एक जगह ला के कोई। ओके तो ये भी अब आपका काम हो चुका है परफेक्टली, कूलेंट का पूरा सिस्टम आपका हमने ड्रेन करना सिखाया, आपको फ्लश करना सिखाया। मित्र करो होप कि यार ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगी, अब क्या है कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया, होप कि अच्छा लगा, अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना, कर देना शेयर, मिलते हैं फिर किसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। और कुछ टॉपिक चाहिए तो आप बताना प्लीज़ यार, हमारे मोटो ब्लॉग और डेली ब्लॉग और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यार हम लोगों को आगे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ आपको भी, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट करना है तो थोड़ा यार मेहनत कर लो बस इतना। मिलते हैं फिर किसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ दोस्तों, बाय बाय।